इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्लाइसर और टाइमलाइन क्या होता है इसका यूज़ कैसे किया जाता है के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि स्लाइसर क्या है स्लाइसर एक विजुअल फिल्टर है स्लाइसर का यूज़ करके हम अपने एचिक डेटा टाइप पर क्लिक करके अपने डेटा पाइवोट टेवर पाइवोट चार्ट और टेबल को फिल्टर कर सकते हैं हम एक्सेल में जल्दी से या आसानी से पाओ टेबल को फिल्टर करने के लिए स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं इसके बाद हम ये सीखेंगे कि टाइमलाइन क्या है टाइमलाइन का यूज़ करने के लिए हमारे पास डेट लिखी होनी चाहिए तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टाइम लाइन जो होता है ये डेट को फिल्टर करता है इसमें हम डेट को ईयर्स के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से या क्वार्टर्स के हिसाब से या डेज़ के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं स्लाइसर और टाइम लाइन को समझने के लिए यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ है इस डेटा को हम पाइवोट टेबल बनाएंगे तो पाईवो टेबल बनाने के लिए अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टाइप पे जाएंगे और पाइवोट टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट पाइवोट टेबल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा इसमें सेलेक्ट टेबल और रेंज ये टेबल की रेंज यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है करने के बाद इसको यहाँ पे न्यू वर्कशीट में बढ़ाना है तो यहाँ पर इसको क्लिक किया क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया ओके पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएट की जाती है यहाँ पे पाइवल टेबल फील्ड यहाँ पे दी गई है जो भी हमने हेडिंग लिखी हुई है वो हैडिंग यहाँ पे दी गई है कस्टमर नेम आइटम नेम प्राइस सेल्स और डेट यहाँ पे ये हेडिंग यहाँ पे सभी आ गई आने के बाद हम सभी हैडिंग को यहाँ पर इंसल्ट करेंगे यहाँ पर ये देखो कस्टमर नेम ये कस्टमर नेम यहाँ पर आ गए आइटम नेम ये आइटम नेम इसके साथ आ गई इसके बाद प्राइस ये प्राइस लिस्ट यहाँ पे आ गई इसके बाद सेल्स ये सेल्स आ गई इसके बाद अगर हम डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये डेट भी यहाँ पे आ जाएगी तो आने के बाद हम इसको यहाँ पे जूम करेंगे ये थोड़ा सा जूम किया हम यहाँ पे स्लाइसर को समझेंगे कि स्लाइसर का यूज़ कैसे यहाँ पे किया जाता है तो स्लाइसर का यूज़ हम डेटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं तो हम डेटा को फ़िल्टर यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन हम स्लाइसर के ज़रिए डेटा को फिल्टर करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैप पे जाएंगे इंसर्ट टैप पे जाने के बाद यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर ये डायलॉग से यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद अब कौन कौन सा यहाँ पे हमने स्लाइसर इंसर्ट करना है वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो हम यहाँ पे तीन स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ये फर्स्ट कस्टमर नेम आइटम नेम और यहाँ से प्राइस ये हमने यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करने हैं इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो तीन स्लाइसर यहाँ पे आ जाएंगे एक प्राइस वाला एक ये आइटम नेम वाला ने और एक ये कस्टमर नेम वाला ये तीन स्लाइसर यहाँ पे आ गए अब हम जिस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा ये देखो कस्टमर नेम अगर हमें कस्टमर नेम किसी भी नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देगा सपोज करो हमें ये अमित का रिकॉर्ड चाहिए ये सभी रिकॉर्ड नहीं चाहिए यहाँ पे केवल अमित का रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे अमित पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये अमित का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा अमित इसने क्या लिया हुआ है कीबोर्ड लिया हुआ है कब लिया हुआ है ये, ये डेट इसकी आ गई है यहाँ पे और इसका सम ऑफ प्राइस कितना है ये यहाँ पे सम ऑफ प्राइस 800 है यहाँ पे आ गया है एट हंड्रेड उसकी सेल्स कितनी है सेल कितनी हुई है ये 8000 थाउजेंड यहाँ पर सेल है तो ये अमित का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है. अगर और का चाहिए जैसे यहाँ पे ये देखो बॉबी का चाहिए यहाँ पे बॉबी पे क्लिक किया तो ये बॉबी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया ये देखो बॉबी ने क्या लिया हुआ है यहाँ पे एलसीडी ली हुई है कब ली हुई है ये डेट आई हुई है इसका प्राइस कितना है फाइव थाउजेंट है और इसकी सेल कितनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंट है तो इस प्रकार ये जिसके ऊपर हम यहाँ पे कस्टमर नेम स्लाइसर के ऊपर क्लिक करेंगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रिकॉर्ड आए तो इसको कैसे करना है इसको एक तो हम कंट्रोल की प्रेस करके और नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे क्लिक किया अब हम जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा एक तो बॉबी का है ये इसके बाद और किसका चाहिए यहाँ पे मोहित का चाहिए ये मोहित का, का ये देखो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सुरेश का चाहिए ये सुरेश का आ गया इसके बाद अगर हम इस रिकॉर्ड को क्लियर करना चाहते हैं और सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये देखो क्लियर फिल्टर यहाँ पर क्लिक किया ये जो फिल्टर हमने लगाया था वो यहाँ से क्लियर हो गया और सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया इसके बाद ये तो हो गया कस्टमर नेम नेम के हिसाब से हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अगर आइटम नेम के हिसाब से यहाँ पे हमने डेटा को फ़िल्टर करना है तो इसके जरिए भी कर सकते हैं जैसे एल तो ये रिकॉर्ड ये देखो एल सी क्लिक किया एल ये सारा आ जाएगा यहाँ पर वो भी ने ली हुई है और कब ली हुई है ये डेट आ गई यहाँ पे प्राइस कितना है ये प्राइस आ गया इसके बाद सेल ये आ गई तो हम यहाँ पे आइटम नेम किसी भी आइटम नेम के ऊपर क्लिक करेंगे उसी का रिकॉर्ड आ जाएगा ये देखो साइल ये स्पीकर किसने लिए हुए हैं जितेंद्र ने लिए हुए हैं कब लिए हुए हैं ये डेट आई हुई है कितने की है ये सम ऑफ प्राइस यहाँ पे लगा हुआ है इसके बाद सम ऑफ़ सेल्स यहाँ पे लगी हुई है तो ये जितना भी रिकॉर्ड होता है जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही यहाँ पे डेटा फिल्टर होके आ जाएगा अगर हम ये क्लियर करना चाहते हैं तो हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लियर फिल्टर यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद अगर प्राइस के हिसाब से हमने स्लाइसर को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे ये प्राइस का स्लाइसर है यहाँ पे हम प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा ये देखो जैसे हमने यहाँ पे ये सिक्स वन ज़ीरो ये प्राइस यहाँ पे क्लिक किया तो ये सुरेश ने ज्वाइस्टिक ली हुई है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया अगर किसी और प्राइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर फाइव थाउजेंट यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे बॉबी ने एल ली हुई है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे सारा इसका आ गया तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लाइसर का यूज़ करके अपने डेटा को अपने मन चाहे ढंग से फिल्टर कर सकते हैं इसके बाद स्लाइसर को यहाँ से अगर हमने डिलीट करना है तो इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की प्रेस करेंगे एक को सेक्ट किया इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया ये दूसरा सेलेक्ट हो गया इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया ये यह तीनों यहाँ पर स्लाइसर सेलेक्ट हो गए सेलेक्ट होने के बाद की से डिलीट की प्रेस करेंगे ये देखो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा इसके बाद आगे हम करेंगे टाइम तो टाइम को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले डेट लिखी होनी चाहिए तभी टाइम का यूज़ हम कर सकते हैं तो टाइम का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे इंसर्ट टैब पे जाने के बाद फिल्टर ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे टाइम पे क्लिक करेंगे टाइम पे क्लिक करने के बाद इंसल्ट टाइमलाइन डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा इसमें ये देखो यहाँ पे एक ही फील्ड यहाँ पे आई हुई है डेट तो यहाँ पे हम डेट इसको यहाँ पे चेक करेंगे चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये टाइम लाइन यहाँ आ जाएगी इसको यहाँ से बड़ा करेंगे ये बड़ी की ये टाइम लाइन यहाँ आ गई आने के बाद इसको हम फिल्टर ये देखो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे ईयर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं क्वार्टर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं मंथ्स के हिसाब से भी कर सकते हैं या डेज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं पहले हम यहाँ पे टाइमलाइन को फिल्टर ईयर के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे ईयर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ईयर्स हमने डेट में एक ही ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 तो ये यह देखो यहाँ पे एक ही ईयर यहाँ पे शो कर रहा है अगर हमने डेट में यहाँ पे ये देखो ये ईयर नाइनटीन आए ये भी 19 ये भी 19 और सभी यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे ईयर यहाँ पे 2019 थाउजेंड ईयर यहाँ पे आ गया एक ही ये ईयर यहाँ पे शो कर रहा है तो अगर हमने यहाँ पे दो लिखे होते तो दो ईयर यहाँ पे आने थे तीन लिखे होते तो तीन आने थे इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा ये 19 में हमने यहाँ पे लिया हुआ है कुछ भी तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद ईयर्स के हिसाब से ये फ़िल्टर हो गया अगर हम यहाँ पे क्वार्टर्स के हिसाब से करना चाहते हैं फिल्टर तो यहाँ पे क्वार्टर्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये सभी क्वार्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे ये क्वार्टर्स फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ तो ये जो डेट है ये हमने सेकंड क्वार्टर्स में ली हुई है जो भी हमने यहाँ पे आइटम ली हुई है सेकंड क्वार्टर में ली हुई है तो अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे फर्स्ट क्वार्टर पे, तो ये ब्लैंक शो करेगा यहाँ पे कोई भी फिल्टर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा ये देखो फर्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है अगर हम यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा फोर्थ में भी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा लेकिन मई मंथ में हमने यहाँ पर आइटम्स ली हुई हैं तो ये देखो सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा पूरा रिकॉर्ड ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा जितना भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये सेकंड क्वार्टर्स में लिया हुआ है तो ये सेकंड क्वार्टर्स यहाँ पे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा ये देखो ये भी मई मंथ है ये भी मई मंथ है ये भी मई है और ये सारे ये यहाँ पे मई मंथ है तो यहाँ पे ये सेकंड क्वार्टर यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है इसके बाद क्वार्टर्स के हिसाब से नहीं करना है हमने इसको मंथ्स के हिसाब से करना है तो यहाँ पर मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो मंथ्स की यहाँ पर टाइमलाइन शो हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो मंथ्स हैं जैसे जनवरी फरवरी ये मार्च ये जितने भी आगे मंथ्स हैं दिसंबर तक कौन सा मंथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड शो करेगा तो यहाँ पे जैसे हमने जनवरी पे क्लिक किया तो ये देखो जनवरी पे यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आया इसके बाद यहाँ पे फरवरी तो ये भी फिल्टर होके डाटा नहीं आया अब जो हमने यहाँ पे डेटा में मंथ लिखा हुआ है उसी मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा और जो मंथ हमने नहीं लिखा हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आएगा तो मार्च ये भी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है अप्रैल ये भी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है इसके बाद मई तो मई पे क्लिक करने के बाद ये देखो जितना भी मई का रिकॉर्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा ये देखो सभी यहाँ पर आइटम्स जो हमने ली हुई हैं ये मई मंथ्स की हैं ये देखो यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है ये भी फाइव है ये भी फाइव सभी में फाइव है तो ये मई मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा जून पे क्लिक किया तो जून का भी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है क्योंकि जून मंथ हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसी प्रकार आगे भी कोई भी मंथ हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं करेगा तो ये देखो हमने डेट में मई मंथ को ही लिखा हुआ है तो मई मंथ का ही यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर रहा है बाकी मंथ यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो यहाँ पे किसी भी मंथ का यहाँ पे रिकॉर्ड शो नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे मंथ्स के हिसाब से भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं इसके बाद आगे है डेज़ यहाँ पे डेज़ के हिसाब से भी हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे डेज पे क्लिक करेंगे तो डेज पे क्लिक करने के बाद ये देखो डेज़ के हिसाब से यहाँ पे डेटा आएगा ये यहाँ पे ईयर आया हुआ है मई 2019 और इसके बाद यहाँ पे डेट हैं Yeah, Ricku, ये देखो सभी ये डेटे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो डेटे हैं यहाँ पे जैसे मई यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे ये जो डेट लिखी हुई है इलेवन से स्टार्ट की हुई है एक्सटीन तक का है तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मई फर्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटा कोई भी फिल्टर होके नहीं आएगा जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया ये देखो यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे फिल्टर होके नहीं आया सेकंड पे क्लिक करेंगे तब भी नहीं आएगा अगर हम यहाँ पे 11 पे क्लिक करेंगे तो 11 डेट का डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा ये देखो 11 पे क्लिक किया 11 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अमित इसने कीबोर्ड लिया हुआ है ये देखो 11 डेट यहाँ पे आ गई और ये सम प्राइस ये 800 इसके बाद सेल ये 8000 तो ये सारा रिकॉर्ड ये इलेवन डेट का यहाँ पर आ जाएगा इसी प्रकार आगे डेट है ये ये देखो ये सिक्सटीन तक हमने यहाँ पे लिखी हुई है तो अगर हमें थर्टीन का चाहिए तो ये थर्टीन का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा अगर फोर्टीन डेट का रिकॉर्ड चाहिए तो ये फोर्टीन डेट का रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाएगा अगर फिफ्टीन का चाहिए तो ये फ़िफ्टीन पे क्लिक किया ये फिफ्टीन डेट का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा तो इस प्रकार यहाँ पे, पे हम डेट के हिसाब से भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने सरायसर के बारे में और टाइमलाइन के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल धन्यवाद